Yes, Vite. I think I was not audible to you. That's why you yes. have. Okay, okay. Yes. Okay, Vite. So I'm just repeating this concept. कल हमने जो condition हमने की थी for x y less than one, हमारी book में यही हमें condition given थी. But sometimes क्या होता है कि board में इनके जो है अलावा भी questions आपके आ जाते हैं tan inverse plus x plus tan inverse y, जिसमें x और y आपके दोनों greater than zero होते हैं और इनका product जो है वो भी greater than one बन रहा हो. तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस y कर देंगे हम. जब x और y दोनों लेस देन जीरो हैं आपके और इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्योंकि जब नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव होगा, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट बट वन से बड़ा जब बनेगा तो यहाँ पे आप माइनस पाई कर दोगे. जहां एक्स वाई ग्रेटर देन वन के केस में अगर एक्स और वाई आपके पॉजिटिव हैं तो प्लस पाई कर दो, और एक्स और वाई अगर नेगेटिव हैं तो माइनस पाई कर दो. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन एक्स वाई इज इक्वल टू वन, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस पाई बाय टू, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस पाई बाय टू, प्रोडक्ट इनका जो है दैट विल बी इक्वल टू वन. तो ये आपने फॉर्मूला यूज कर देना है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई. Depending on these conditions, हमारा formula जो है वो accordingly change हो जाएगा. अब जो है इसका हम proof कर रहे हैं, वैसे proof इनके आते नहीं है exams में as such, but एक मैं करवा देती हूँ, बाकी आप try कर लेना. Tan inverse इस तरह के जब हमने proof करने होते हैं तो जो भी हमारी term होती है उसको हम A या B मान लेते हैं. तो यहाँ से आपका आ जाएगा x जो है that is equal to tan A, और y जो है वो आपका आ जाएगा tan B. अब अगर मैं इनको देखूं यहाँ पे, तो क्योंकि जो है मुझे यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम इनके साथ जो कंडीशन हम लेके चलते हैं दैट इज मॉड एक्स लेस देन वन एंड मॉड वाई लेस देन वन, यानी कि एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन एंड वाई लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. अब एक्स क्या है टेन ए, वाई क्या है टेन बी, तो इसका मतलब जो आपके टेन ए है वो भी वन से माइनस वन के बीच में लाई करेगा, और जो आपका टेन बी है वो भी वन से माइनस वन के बीच में लाई करेगा, बिकॉज दिस इज द कंडीशन गिवन टू मी. अब इसके बेसिस पे अगर हम चलेंगे तो हमने एक्स टेन ए ले लिया, वाई हमने टेन बी ले लिया. अब अगर मैं इनको कंबाइन करती इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर देखूं तो माइनस वन इज माइनस फाइव बाय फोर, टेन ए दिस इज फाइव बाय फोर, यानी कि जो a की वैल्यू है मेरी यहाँ पे वो माइनस फाइव बाय फोर से फाइव बाय फोर के बीच में लाई करेगी. सेम वे में b की जो वैल्यू है मेरी वो माइनस फाइव बाय फोर से प्लस फाइव बाय फोर के बीच में लाई करेगी. अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दू, a प्लस बी ले लू मैं यहाँ पे, तो माइनस फाइव बाय फोर और माइनस फाइव बाय फोर आपका एड होके दिस विल गिव यू माइनस फाइव बाय टू, इधर प्लस फाइव बाय फोर एंड प्लस फाइव बाय फोर आपका ऐड हो जाएगा तो दिस विल गिव यू फाइव बाय टू. तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है दैट विल लाई बिटवीन माइनस फाइव बाय टू टू फाइव बाय टू. अब मुझे फॉर्मूला पता है टेन ऑफ ए प्लस बी का, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी. टेन ए मेरा क्या है एक्स है, टेन बी मेरा क्या है वाई है, तो यहाँ पे मैं इनको रिप्लेस कर सकती हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अब टेकिंग टेन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स अगर मैं लेके चलूं तो दिस इज ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वाला टेन टेन इनवर्स को जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अगर मैं लेमेन की लैंग्वेज में बात करूं तो ये टैन उधर जाके इनवर्स बन गया, बट एक्चुअल में हम इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं टैन इनवर्स के साथ. ए मेरा क्या है टैन इनवर्स एक्स, बी मेरा क्या है टैन इनवर्स वाई, तो यहाँ रिप्लेस कर दिया, दिस इज टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. ये हमारा प्रूफ था. प्रूफ वैसे फिर भी एक बार देख लेना क्योंकि बोर्ड में हम रिस्क नहीं लेते हैं, अदरवाइज वैसे आज तक कभी प्रूफ आया नहीं है,
बट यू विल डू। अब देखो, हम अगर इस वाई को माइनस साइन से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला बन जाते हैं। So this is tan inverse x minus tan inverse y. This is equal to tan inverse plus y को मैंने minus y से replace किया है. Tan inverse x minus y upon 1 plus x y. अब मेरा क्या था, x y less than 1 था, मैंने minus से जब multiply किया तो this will become x y minus था तो ये change हो गया आपका and this is greater than minus 1. Actual में मैंने क्या किया, x y को रिप्लेस किया minus 1 से इसमें, तो यहाँ क्योंकि मैंने नेगेटिव से लिया है तो जब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस वन से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका एक्स वाई माइनस का साइन माइनस वन से मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव एक्स वाई बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस वन इंटू प्लस वन आपका माइनस वन बन जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी इनइक्वालिटी बनेगी दैट इज एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब सेम वे में जैसे हमने यहाँ पे प्लस एक्स के लिए फॉर्मूले लिए हैं, सेम वे में जो है हम इसके माइनस के साथ भी लेके चलते हैं। अब माइनस के साथ जब आप इसको लेके चलोगे अगर आपका x ग्रेटर देन जीरो है y लेस देन जीरो है, यानी कि इसके वे में आपका केस बनता है, इसमें आपके फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, उनको ध्यान से लर्न करना, फॉर्मूले अगर टिप्स में हैं तो सम्स करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। tan inverse x ये भी बुक में नहीं है, इसको लिख लो tan inverse x minus tan inverse y, this is equal to pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus x y, और इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, x is greater than 0, y is less than 0, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इनका जो प्रोडक्ट है नेगेटिव आएगा, तो x y is less than minus 1। अब नेक्स्ट जो हमने लेके चलना है दैट इज ये वाले जो अब मैं लिखवा रही हूँ, ये आगे इसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, उससे पहले जो है हम कन्वर्जन करेंगे एक टर्म से दूसरी टर्म में हमारी किस तरीके से कन्वर्जन होती हैं, क्योंकि ये भी काफी आगे हमारा क्वेश्चंस में यूज होगा। लेट अस सपोज कि मुझे गिवन है साइन इनवर्स एक्स, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी आपको, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसमें। मान लो मुझे गिवन है साइन इनवर्स एक्स, अब साइन थीटा जो है मुझे पता है दैट इज पी बाई एच, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेती हूँ तो एक्स मेरा आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका, दैट इज पी बाई एच। अब साइन थीटा पी बाई एच मीन्स ये मैंने एक्स लिया, तो अगर मैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली देखती हूँ तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन वन, परपेंडिकुलर एक्स हाइपो वन, तो आई कैन फाइंड आउट द बेस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी मुझे कैलकुलेट करना है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बेस आ गया मेरे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव लेके चलना है क्योंकि साइड को रिप्रेजेंट कर, तो इट मींस जो मेरा साइन इनवर्स एक्स है जब मुझे इसको कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करना, कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच, बेस क्या है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आई को वन है तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस इधर चला जाएगा यानी कि पी मल्टीप्लाइंग बाय कॉस इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, कॉस इनवर्स
root 1 minus x square. This is equal to cos inverse root 1 minus x square. Same way mein, this is again equal to सभी टी रेशियोज में मैं इसको कन्वर्ट करके आपको बताऊंगी. टैन इनवर्स, टैन क्या होता है हमारा, दैट इज पी बाई बी. पी क्या है हमारे पास, एक्स है. बी क्या है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब सेम अगर उसको मुझे सीकेंट में कन्वर्ट करना है, सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स क्या होगा आपका, एच अपॉन बी. एच इज वन, बी इज रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. This is equal to cosec लेने, तो that is h upon p, या इसका inverse भी हमने कल formula किया था, sin inverse x is equal to cosec inverse 1 by x, and this is equal to cot की terms में अगर मुझे लेना है, तो cot मेरा क्या होता है, b by p, या tan का inverse reciprocal हम ले सकते हैं, तो that is 1 minus x square upon x. तो एक अगर मुझे जो है inverse में given है, तो उसको मैं बाकी टी रेशियोज के इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ. हमने करना क्या है, अगर मैं इसको इन जनरल लेके चलू, तो जो भी मुझे यहाँ गिवन साइन इनवर्स, उसको मैंने पी बाय एच मान, क्योंकि साइन जो है दैट इज, आपने वो किया हुआ है टेंथ में पंडित बद्री प्रसाद हरकर कोले वाले से, आपको याद होगा. तो साइन जो है दैट इज पी बाय एच, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ पी बाय एच की अगर मैं बात करूं, that is equal to cos inverse p by h, that is equal to tan inverse, tan p by b होता है, तो tan inverse p by b हो गया, cos sec inverse, cos sec इसका reciprocal, secant इसका reciprocal, and cotangent इसका. तो एक इनवर्स अगर मुझे गिवन है, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी ऑफ द फाइव, जो बाकी की पी रेशियोज हैं उनके इनवर्स में मैं इनको कन्वर्ट कर सकती हूँ. अब डिपेंडिंग ऑन, अब जैसे ये मेरा साइन इनवर्स एक्स था, तो इससे रिलेटेड मेरी ये वैल्यूज आए. इन केस अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स गिवन होता, अब अगेन कॉस क्या है मेरा, बी बाई एच, यानी कि उस केस में बेस एक्स होना था, हाइपो वन होना था, तो परपेंडिकुलर मेरा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी पी बी एच की वैल्यूज हैं, यू कैन पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड यू कैन गेट योर आंसर. तो इसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज करें. नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर फॉर्मूले विच आर अगेन देयर नॉट देयर इन योर बुक. टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आगे आएगा इस तरह का प्रूव करने वाला. सो दैट इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स है यहाँ पे, तो दिस इज साइन इनवर्स टू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स. और इसके लिए कंडीशन क्या लाए करते हैं, जो हमारा एक्स है दैट बिलोंग्स टू माइनस वन बाई रूट टू टू वन बाई टू. टू साइन इनवर्स एक्स is equal to sine inverse 2x root 1 minus x square, where x जो है वो हमारा minus 1 by root 2 से plus 1 by root 2 की फॉर्म में लाए गए. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अगेन उसी तरीके से करोगे, sine inverse x को theta put कर लोगे, 2 sine inverse x, तो या 2 theta put कर लो, तो वो 2 से 2 आपका cancel out हो जाएगा, यानी कि sine inverse x को मैंने theta put कर लिया. तो यहाँ से मेरा जो है, अगर मैं इसको देखूंगी, तो x मेरा क्या बन जाएगा, साइन थीटा. x अब मेरा साइन थीटा बन गया यहाँ पे. तो जब मैं इसको लेके चलूंगी अकॉर्डिंगली, साइन थीटा का जब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, तो फॉर्मूला मुझे पता है उसका, टू साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में मैं लेके चलती हूँ. तो x जब मेरा साइन थीटा हो गया यहाँ पे, तो अब इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो मेरा ये चीज 2x, राइट हैंड साइड से हम ले लेते हैं इसको, 2x into 1 minus x square. ये हो गया आपका 2 sin theta into 1 minus sin square theta. This is 2 sin theta into cos theta. That is sin 2 theta. अब
थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, साइन टू थीटा। तो हमने क्या किया, जो मुझे ये गिवन था इसमें, क्योंकि आगे इसके साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया था आपका, ये चीज इसके इक्वल आई थी, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, ये आपका साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गया, थीटा हमने क्या लिया था साइन इनवर्स। जब हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो यहां से लेके चलते, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा जो है हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा, और ये जो है आपका दिस रिजल्ट इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है वो आपका माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू के बीच में लाई करेगा, देन ओनली जो है ये आपका रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट आपका ट्रू नहीं होगा। सेम वे में हमारा जो फॉर्मूला है नेक्स्ट टू कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड है ये, इसके बाद दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, साइन के केस में ही जो है कॉस के केस में आप इसको लेके चलोगे, कॉस इनवर्स हमने कॉस में फॉर्मूला किया हुआ है कॉस टू थीटा का, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो उसी के बेसिस पे ये बनेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अगेन इसमें जब हम देखेंगे तो हमारा एक्स जो है वो वन बाय रूट टू से वन को बिलोंग करेगा। सेम वे में आपने यहाँ पे करना है कि जो आपका गिवन है ये वाली टर्म एक्स को आप, क्योंकि हमें कॉस की फॉर्म में प्रूव करना है, तो एक्स को आप कॉस थीटा पुट कर लोगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आपका कॉस टू थीटा हो जाएगा, टेकिंग प्री मल्टीप्लाइंग विद कॉस इनवर्स वो आपका कॉस टू थीटा रह जाएगा, और थीटा जो क्योंकि आपने जो है वो कॉस थीटा को एक्स को कॉस थीटा पुट किया था, तो कॉस इनवर्स एक्स आपका थीटा आ जाएगा, जैसे इस वे में किया है सेम वे में यू विल डू। आप क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा आ गया आपके पास कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हमने लेके चलना है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा हमारा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, दिस इज कॉस टू थीटा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद कॉस इनवर्स ये टू थीटा रह जाएगा, दिस इज टू थीटा यानी कि कॉस इनवर्स एक्स। अगेन जो है ये आपकी वैलिडिटी इसकी है फ्रॉम वन बाय रूट टू टू वन, अगर एक्स जो है वो वन बाय रूट टू से वन के बीच में लाई करता है देन योर टेस्ट रिजल्ट इज वैलिड। देन हमने जो है फॉर्मूले और इसमें करने हैं, थ्री साइन इनवर्स, ये थ्री साइन वाले से बनेगा आपका, दैट इज थ्री साइन इनवर्स, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास थ्री साइन थीटा, तो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स। सेम वे में आप खुद करोगे इसको कि एक्स को आप साइन थीटा पुट कर लोगे, तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा आपका साइन थ्री थीटा आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद साइन इनवर्स आपका थ्री थीटा रह जाएगा राइट हैंड साइड पे, थीटा जो है वो क्योंकि आपने एक्स को साइन थीटा पुट किया था तो थीटा साइन इनवर्स एक्स आएगा, तो यू कैन डू इन दिस वे, दिस यू विल प्रूव योर। और इसके लिए जो हमारी एक्स कंडीशन है दैट इज अगेन जो हमारा एक्स है वो माइनस वन बाय टू से 1 by 2 के बीच में लाई करेगा। Then इसी तरीके से 3 cos inverse x का फॉर्मूला। आई होप कि इसका प्रूफ आपको समझ आ गया होगा। आपने x को sin theta पुट करना है, तो theta sin inverse x आ जाएगा। उसके बाद आपका ये वाली साइड लेके चलोगे, दिस इज 3 sin theta, x को रिप्लेस कर दिया sin theta से, 4 sin cube theta, तो दिस इज sin 3 theta। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x minus 4x, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल आउट होके 3 थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स x। हर एक का प्रूफ इसी तरीके से है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, आगे वाले आप खुद करोगे, आई विल नॉट, सो हाँ डाउट होगा दैट यू कैन आस्क। c cos इनवर्स x इज इक्वल टू अगेन cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला हमें याद है, तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos क्यूब थीटा, तो 4x क्यूब माइनस 3 cos थीटा, तो माइनस 3x।
कंडीशन x जो है दैट बिलोंग्स टू हाफ टू वन, इनके लिए जो है ये एक्सिस्ट करता है. ऐसे ही थ्री tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. तो सेम वे में ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, tan को हम x से रिप्लेस कर देंगे और अगेन x जो है अब यहाँ पे हमारा लाइट करेगा माइनस वन बाय रूट थ्री से, ओपन ब्रैकेट लेंगे माइनस वन बाय रूट थ्री से प्लस वन बाय थ्री. कुछ बुक्स में आपको माइनस वन बाय रूट थ्री की जगह 0.577 भी गिवन होगा, दैट इज अगेन दैट मीन्स कि माइनस वन बाय रूट थ्री से प्लस वन बाय रूट थ्री. अब नेक्स्ट जो है वो अगेन इम्पॉर्टेंट है हमारा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स. जब ये दोनों टर्म्स हमारी साइन इनवर्स की फॉर्म, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और वाई की टर्म्स में है. एक बार हम ले लेंगे एक्स के साथ रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और एक बार हम वाई के साथ वन माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी आपका जो है वो प्लस ही आएगा. अब इसमें जो आपका x और y है that will belong to minus one to one और इनके squares का जो sum है that will always be less than equal to one. Sum of the squares जो है that will always be less than or equal भी हो सकता है, इनके squares का sum will be less than or equal to one और इनकी जो values हैं वो minus one से वन के बीच में लाए करेंगे. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमने नहीं लिया है क्योंकि अगर एक्स और वाई वन के इक्वल हो जाते हैं तो वो आपका वन लेस देन वन या इक्वल टू वन से कंडीशन चेंज हो जाती है. वो मान लो अगर दोनों हम वन ले लेते हैं तो वन प्लस वन टू बन जाता है, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता. दैट्स वाई वी हैव टेकन द ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं. सेम वे में अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ बीच में जो साइन आपने लगाया है वो माइनस कर, तो इसको आप इकट्ठा कंबाइन भी करके लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आपका साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस के साथ प्लस है तो प्लस प्लस ऊपर आ गया, माइनस के साथ माइनस है तो माइनस माइनस नीचे, वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ कंबाइन कर दिए कि अगर प्लस है ऊपर प्लस है तो इधर भी ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है तो इधर भी नीचे माइनस है. मींस कि अगर ये इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, अगर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा. उसके बाद कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई. अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, ये ध्यान रखें. तो दिस इज एक्स वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर. देखो अगर मैंने एक्स को कॉस ए लिया वाई को कॉस बी लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर मेरा साइन में बनेगा, वन माइनस वाई स्क्वायर मेरा साइन बी में बनेगा. तो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की फॉर्म में, तो वहां से वो आपका यहाँ डिराइव कर सकते. देन यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो फॉर्मूला बीच में सेम रहेगा, सिर्फ जहां नेगेटिव लगाया आपने वहां पॉजिटिव साइन, यानी कि कॉस के केस में आपने पहले भी जितने टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले प्लस वन में भी किए थे वहां भी आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पे प्लस लेते थे कॉस ऑफ ए प्लस बी सपोज हम लेते थे तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन. तो यहाँ पे जब आपका प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस. जब हम इसका फॉर्मूला कंबाइन करके लिखेंगे तो ध्यान रखना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, नीचे माइनस कंबाइन कर दिया मैंने. अब इधर ध्यान से एक्स वाई प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ऊपर प्लस के साथ ऊपर माइनस, नीचे माइनस के साथ प्लस. अगर प्लस है तो साइन माइनस था,
अगर माइनस है तो साइन, प्लस है तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे साइन उल्टे कर दिए। साइन वाले केस में दोनों सेम थे जो इधर थे, कॉस वाले केस में डिफरेंट, ये ध्यान। दिस इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। और अगेन जो है ये आपका यहाँ पे हो गया, सेम वे में जो है टैन का हम कर चुके हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले हम कर चुके हैं। अब जब हमारे पास ये तो थे कि दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था, जब हमारे पास मोर देन टू टर्म्स आ जाती है, सपोज थ्री टर्म्स हम ले लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी कल ही शुरू होगी तो तब तक आप ये फॉर्मूले अपने जो है वो मेमोराइज कर लेना। जब हम लेके चल रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अब ये जो मेरा सम है इन तीनों का, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय टू। पाई बाय टू के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि साइमल्टेनियसली दो का जब प्रोडक्ट लेके उनको मैं टर्म्स को ऐड करती हूँ तो दैट सम शुड बी इक्वल टू वन। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स टू वन। अगर या आप ऐसे भी ले सकते हो कि इफ टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय टू, देन प्रोडक्ट ऑफ इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वन। और अगर ये इक्वल टू पाई है tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, if this is equal to pi then इनका जो individuals का sum है that is equal to their product, x plus y plus z जो है that is equal to x y z। same way में sine के केस में हमने लेके चलना है, sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z, अगर ये pi by 2 के equal है तो इनके स्क्वायर्स प्लस टू एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू वन। ये कंडीशंस जो हैं आपकी ट्रू होंगी अगर ये रिजल्ट आपका होल्ड कर। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये अगर पाई के इक्वल है then हमारी जो कंडीशन आती है that is x root 1 minus x square, y root 1 minus y square, z root 1 minus z square जो है that is equal to 2xy z। sin के केस में अगर वो pi के इक्वल है तो x root 1 minus x square plus y root 1 minus y square plus z root 1 minus z square जो है that is equal to 2xy z। इसी तरीके से आपका जो है एक और इसमें बनता है, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड जो है इफ दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, देन आपका जो हमने यहाँ किया था ये इक्वल टू 1 था, यहाँ पे ये सेम क्या बन जाएगा इक्वल टू 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल है तो पाई बाय 2 आएगा, 3 के इक्वल है तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो मतलब अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है। अब हम कॉस के केस में लेके चलेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, ये जो है आपका पाई के इक्वल होगा अगर ये वाली कंडीशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। ये थोड़ा ध्यान से लिखना बच्चे, गलती ना हो इसमें। देन कॉस इनवर्स में ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई प्लस कॉस इनवर्स जेड दिस विल बी इक्वल टू 3 पाई। 3 पाई के इक्वल कब होगा अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है मेरा इफ दैट विल बी इक्वल टू 3, तो ये जो है मेरा this will be equal to 3 pi, yeah, in case I can say this if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3 pi then xy plus yz plus zx jo hai that is equal to 3, so
ये आपकी जो है कुछ फॉर्मूले थे दैट यू हैव टू डू. और एक और दिखवा देती हूँ, 1 मिनट इज स्टिल देयर. अगर हमें गिवन है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका उस वाले फॉर्मूला से बना है जो हम लेके चलते थे कि 1 + cos 2θ / 2 जो है cos square फॉर्म में जो हम लेके चलते थे. सो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 + x / 2. और x के लिए क्या कंडीशन है, -1 से 1 को बिलोंग. इसी तरीके से अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में लेके चलू तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो है दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स. साइन मुझे पता है वो 1 - cos θ की फॉर्म में फॉर्मूला था, 1 - cos 2θ / 2. तो दिस इज 1 - x / 2. अगेन अब जो हमारा एक्स है वो सेम -1 से 1 के बीच में लाए करेगा. और इसी को अगर मैं टेन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स जो है दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 - x / 1 + x. और ये सभी उसके लिए रियल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल रियल एक्स ये आपका रिजल्ट जो है वो वैलिड होता है. सो दीज वर सम फॉर्मूले दैट आई होप यू वुड हैव रिटन डाउन. इनको अब आपने लर्न भी करना है ताकि आप इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकें एंड यू कैन सेव योर टाइम. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज योर टाइम इज ओवर. यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट क्लास, यू कैन लीव द मीटिंग. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. I'm giving you the option to unmute. If any doubt is there, you can ask. Unmute yourself and ask the doubt. Okay, thank you then. I'm ending the meeting. Thank you. Have a nice day.